मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य मौजूद रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आगामी उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी सुवासरा में जातीय संतुलन बनाने में जुट गई। इसी कड़ी में बीजेपी ने सामाजिक समरसता सम्मेलन किया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मंच पर नजर आए। वहीं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी मौजूद रहे। हमारी महिला बहन जो वहाँ पर चुनाव लड़ रही है, उसको बताओ कमलनाथ क्या कहते मालूम है? ये इमरती देवी तो आइटम है, इसको दलित और महिला आइटम दिखाई देते हैं। बताइए तुम्हारा खून खोलता है कि नहीं खोलता, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी गरीब बहन का और हमारी माता बहनों का अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री अगर कोई अपमान करता है तो बताइए हमको क्या करना चाहिए? जो सवाल है क्या करना चाहिए? कुछ करना चाहिए ना। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने मंच से कांग्रेस पर भीमराव अंबेडकर के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। बाबा साहब अंबेडकर ने हमको अधिकार दिया है कि जो हमारा अपमान करेगा उससे हम कमल की बेटी का बटन दबा के कांग्रेस को अपमान का बदला लेंगे। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान लाल सिंह आर्य ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अनुसूचित जाति का फायदा लेती रही। साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर दलित का अपमान करने का भी आरोप लगाया। इमरती देवी का अभद्रता के साथ अपमानित करने का जो बयान दिया है, ये केवल इमरती देवी के साथ ही नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस की नेत्री के साथ किया। अभी एक दिनेश गुर्जर कह रहा था कि मुख्यमंत्री तो भूखा और नंगा है, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस दलितों का अपमान करती है, महिलाओं का अपमान करती है और गरीबों का अपमान करती है। 3 तारीख को होने वाले चुनाव में चाहे दलित हो, चाहे नौजवान हो जिसको धोखा कांग्रेस ने दिया 4000 का, चाहे गरीब हो, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को हरा कर बदला लेगी। कुल मिलाकर बीजेपी का ये समरसता सम्मेलन क्या बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग को जीत दिला पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सम्मेलन से साफ है बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग से जीत का परचम लहराना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन भारत, मंदसौर।